हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टॉप 10 और आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट में हुए सबसे बेहतरीन कुछ फाइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और 10वें नंबर पर आता है एशेज सीरीज का चौथा मैच, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। इस मैच के दौरान जॉनसन और केविन पीटरसन के बीच में गर्मा गर्मी देखी जाती है। केविन पीटरसन बैट करते समय साइड स्क्रीन की वजह से हट जाते हैं। जब जॉनसन बॉल डालने आते हैं तो जॉनसन को ये आचार्य एकदम पसंद नहीं आता और जॉनसन उनकी ओर गेंद फेंक देते हैं और इनके बीच की गर्मा गर्मी मैदान पर सीधी तौरी तरीक़ों से देखी जाती है। और 9वें नंबर पे आता है वर्ल्ड कप का 2011 का पहला मैच, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान विराट कोहली और रुबेल हुसैन के बीच में गर्मा गर्मी देखी जाती है। देखा जाता है कि विराट कोहली रुबेल हुसैन को वर्बली अब्यूज़ कर देते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि विराट कोहली अपने करियर की स्टार्ट में कितने एग्रेसिव थे, तो उसी एग्रेशन को रखते हुए उन्होंने रुबेल हुसैन को बहुत ही एग्रेसिवली कुछ कह दिए थे। तो 8वें नंबर पे आता है मेलबोर्न में खेली गई T20 मैच का, जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। इस मैच के दौरान आखिरी गेंद में 4 रन की ज़रूरत ऑस्ट्रेलिया को थी। उसी मैच के दौरान एंजेलो मैथ्यूज लास्ट गेंद में फील्ड सेट करने में बहुत समय लगा रहे थे, जिसके कारण मैक्सवेल बॉल श्रीलंका टीम के साथ भिड़ जाते हैं और उनके बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। इस किस्से के बाद मैक्सवेल श्रीलंका पूरी टीम से माफ़ी भी मांगते हैं। और 7वें नंबर पे आता है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया तीसरा T20 का, जहां मोहम्मद शहजाद और दिलशान के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। इस मैच के दौरान अहमद शहजाद दिलशान को धक्का भी मार देते हैं, जो ICC के रूल के एकदम ही खिलाफ होती है। और 6ठे नंबर पे आता है 2017 का कैरेबियन प्रीमियर लीग, जब कॉर्नवॉल और पोलार्ड के बीच में कैसुनी हो जाती है। पोलार्ड की एक गेंद कॉर्नवॉल के पेट पे आके लगती है और कॉर्नवॉल चोटिल हो जाते हैं। इस चोट के दौरान कॉर्नवॉल मैदान छोड़ के जा रहे होते हैं, जब पोलार्ड 143 केजी के कॉर्नवॉल से भिड़ जाते हैं और उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी और कहासुनी हो जाती है। हमारे वीडियो के 5वें नंबर पे आता है 2009 का नागपुर का वनडे मैच, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा था। जॉनसन धोनी को गेंदबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी के दौरान धोनी सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, जब जॉनसन उनके रास्ते पे आ जाती है। धोनी बड़े ही गंभीर तरीके से जॉनसन के साथ भिड़ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। इसी मैच के दौरान जॉनसन और धोनी के बीच में गर्मा गर्मी होती है और बहुत ही बुरी तरीके से कहासुनी हो जाती है, जिस पर धोनी बड़े ही गंभीर तरीके से जॉनसन को देखते हैं।
और हमारे वीडियो के चौथे नंबर पे आता है एशिया कप 2010 का वो मैच जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। इसी मैच के दौरान सईद अजमल एक गौतम गंभीर को गेंद करते हैं जो कमरान अकमल पकड़ते हुए कैच की अपील करते हैं, लेकिन यही अपील को बिली बाउडन नकार देते हैं और गौतम गंभीर आउट नहीं होते। इसी मैच के दौरान ड्रीज ब्रेक में गौतम गंभीर और सईद अजमल के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। उसी मैच के दौरान हरभजन सिंह और शोएब अख्तर का भी एक गर्मा गर्मी हो जाती है। मैच का आखिरी का पहला ओवर शोएब अख्तर डाल रहे थे जिसमें हरभजन सिंह के साथ उनकी कुछ कहासुनी हो जाती है, और अंत में जब मोहम्मद आमिर गेंद करने आते हैं तो दो गेंदों में 3 रनों की ज़रूरत था तो हरभजन सिंह ने बेहतरीन छक्के के साथ मैच को भारत को जिताते हुए शोएब अख्तर के मुँह पर करारा जवाब दिया था। और हमारे दूसरे नंबर पे आता है वनडे सीरीज़ का 2007 का वो मैच जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान गंभीर और आफरीदी के बीच में एक भयंकर गर्मा गर्मी हो जाती है और रन लेते समय गंभीर आफरीदी को धक्का मार के अपने रास्ते से हटा देते हैं। इसी मैच के गर्मा गर्मी को रोकने के लिए अंपायर को इंटरफेयर करना पड़ता है। और हमारे वीडियो का पहला नंबर पे आता है पाकिस्तान सुपर लीग का वो मैच जहाँ पे वहाब रियाज़ और अहमद शहजाद के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे होते हैं और वहाब रियाज़ की गेंद पे बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड होने के बाद वहाब रियाज़ अहमद शहजाद को एक लुक देते हुए जा रहे होते हैं, जब अहमद शहजाद को वहाब रियाज़ धक्का मार के हटा देते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो शायद पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो आप कमेंट कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन पे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से मैचेस का राइट अच्छे लगे। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।